gentlemen, please put all your hands together and help me welcome on the stage Diamonds Going Camp, Anuj and Pratima Payal Singh. Okay, how is Patna? Okay. जबरदस्त, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए. आप कहें तो चांद और तारे आपके लिए तोड़ दूं, कायनात की सारी खुशियां आपके लिए मोड़ दूं, इतना ही काफी है मेरी जान कि दो चार झूठ और बोल दूं. अनुज और प्रतिमा हम लोग हैं, हम लोग जमशेदपुर से आए हैं. वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड. बड़ी इच्छा थी बोलने की कि सुपर डुपर एक्साइटेड, लेकिन वास्तव में फील कर रहे हैं सुपर डुपर एक्साइटेड. वी वेयर बैंकर्स, बोथ वेयर बैंकर्स. अभी हम लोग रिटायर्ड हैं, हम लोगों ने जॉब रिजाइन कर दिया है, एंड हम लोग जिंदगी को पूरी तरीके से हम लोग जी रहे हैं. 22 साल 23 साल हमने बैंक में नौकरी करी और उसके बाद वी आर इनटू दिस बिजनेस फुल टाइम. नाउ फुल टाइम काम नहीं करना पड़ता है, फुल टाइम एंजॉय करना पड़ता है, यू नो, क्योंकि आप एक लेवल के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट एंजॉयिंग द फ्रूट्स दैट यू नो, जो आपने भी जो भी खेती करी है उसके फ्रूट्स को आप एंजॉय करते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. यू नो, एक बार क्या हुआ कि एक पत्नी ने पति से पूछा कि अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे. तो पति ने कहा कि मैं निर्मल बाबा के पास जाऊंगा. तो बोले अच्छा, निर्मल बाबा के पास जाओगे, क्या कहोगे उनसे. तो बोला पति कि मैं कहूंगा कि हुजूर आपकी कृपा आनी शुरू हो गई है. यू नो, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस बिजनेस को कोई सिरदर्द के रूप में नहीं लिया, हम लोगों ने बड़े हंसते हंसते इस बिजनेस को बिल्ड किया, राइट. एक बार एक डॉक्टर ने एक शंटा सिंह से पूछा कि भाई तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो. तो उसने बताया कि मैं बजरंग दा वो हर्बल टूथपेस्ट में यूज करता हूं. शैंपू कौन सा यूज करते हो. बोला कि मैं बजरंग दा हर्बल शैंपू यूज करता हूं. और तेल कौन सा लगाते हो. तो बोला कि मैं बजरंग दा आयुर्वेदिक तेल लगाता हूं. तो डॉक्टर बड़ा सरप्राइज हुआ, उसने पूछा कि अरे यार, ये बजरंग कोई मल्टीनेशनल कंपनी का नाम है क्या. बोला कि नहीं जी, बजरंग मेरा रूममेट है. उसका सारा सामान लगाकर भाई साहब यूज कर रहे थे. कुछ लोगों को शाम में समझ में आएगा, राइट. देखिए कितना लोग हंस रहे हैं, अभी ज्यादा लोग हंस रहे हैं, राइट. तो हम लोगों ने इस बिजनेस को एंजॉय किया है और एक बहुत बड़ी ड्रीम थी हम लोगों की, एक बहुत बड़ा सपना था कि हम भी ऐसा कोई दिन देख लेना चाहते थे कि कभी जॉब के बिना भी हमारी जिंदगी गुजर सकती थी. जॉब किया, जॉब भी एक ड्रीम था, एक अच्छी नौकरी लेते और अच्छे से अपनी जिंदगी को चलाते अपनी फैमिली के साथ. वो ड्रीम पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि हम कहीं फंस गए. लेकिन हम फंसे नहीं रहे, हमने एक सपना देखा. वी सॉ अ ड्रीम कि बिना जॉब के भी क्या जिंदगी को जी जा सकती है, जबकि सुबह उठने का कोई टेंशन ना हो, ऑफिस जाने का टेंशन नहीं हो, हमारी वाइफ को सुबह सुबह उठकर खाना बनाने का टेंशन ना हो, बच्चों को छोड़कर ऑफिस जाने का टेंशन नहीं हो, बॉस का चेहरा नहीं देखना पड़े हमको. ऐसा भी ड्रीम हमारा था, राइट. जब मन करे मैं काम करूं, जब मन करे मैं काम ना करूं, घर में अगर क्रिकेट मैच टीवी पे अगर आ रहा हो तो मैं ऑफिस में ना हूं, यू नो, मैं सामने टीवी पे हूं या मैच को फिजिकली जाके मैं देख सकूं. बहुत सारे ड्रीम्स थे हमारे, यू नो. देखिए ड्रीम के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ड्रीम ये है, ड्रीम वो है. ड्रीम क्या है, सपने क्या होते हैं. सपने वो बला होते हैं जिसकी बदौलत आज हम और आप यहां पे हैं. ये हॉल भी एक आदमी के दिल में एक बार ये बात आई थी कि इस एरिया में एक हॉल होना चाहिए जिसमें कि लोग बैठकर इस सेमिनार को अटेंड कर सके, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस हॉल. हम और आप अगर ईमानदारी से बोले तो हम और आप भी अपने माँ बाप के सपनों के पार्ट थे. हमारे माँ बाप ने सपना देखा एक बच्चा हो हमें, एंड वी आर पार्ट ऑफ दैट ड्रीम. हम लोग उन्हीं के सपनों के पार्ट बने, राइट. एक बार एक फुटबॉल मैच चल रहा था और एक फुटबॉलर बॉल लेकर वो आगे बढ़ा, उसने एक प्लेयर को डॉज किया, दूसरे प्लेयर को डॉज किया, तीसरे प्लेयर को डॉज किया, चौथे प्लेयर को छकाया, और वो जैसे ही गोल पोस्ट के सामने पहुंचा और उसने सोचा कि अब गोल मारनी चाहिए, उसने पांव उठाई गोल मारने के लिए, अचानक देखा कि सामने गोल पोस्ट ही नहीं है. यू नो, हंसी आ रही है ना आपको. मोस्टली लोगों की जिंदगी ऐसे ही चलती है,
उनको मालूम ही नहीं है कि जिंदगी में जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा कहीं जा रहा था और उसने एक बाबा से पूछा कि बाबा ये रोड कहाँ जाती है, तो बाबा ने पूछा कि तुमको जाना कहाँ है, बोला कि मालूम नहीं है, तो बोले कि मालूम नहीं है तो जहां मन है वहां चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। ईमानदारी से आप सोचिए तो हमारी और आपकी जिंदगी ऐसी ही चलती है। हम लोगों ने सोचा नहीं, मैं भी जब बैंक में आया मैंने नौकरी सोची थी, मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि बैंक में हम आएंगे और बैंक एक दिन मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहेंगे। वो तो धीरे धीरे आदमी उस लाइन में आते जाता है तो उसी लाइन के सपनों को देखना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा कोई सपना नहीं था बैंक में नौकरी करने का। बहुत सारे लोग बैंक एग्जाम को दे रहे थे, मैंने भी एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया। बिफोर यू रियलाइज इट यू फाइंड योर सेल्फ समवेयर इन योर कैरियर। ये कोई ड्रीम नहीं था, बस ऐसे ही किसी तरीके से जो काम सारे लोग कर रहे थे मैं भी उन्हीं कामों को कर रहा था और इसी तरीके से हमारी भी जिंदगी गुजर बसर हो रही थी। यू नो, सपनों के बिना आप एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते हैं। क्या मैंने कहीं पढ़ा था कि आप खाने के बिना 40 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना आप 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, हवा के बिना 8 मिनट आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके सपने मर जाए तो आप एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। यू नो, क्या आदमी वास्तव में मर जाता है? आदमी मरता नहीं है, लेकिन उसकी भावना मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाती है। वो आदमी के जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं होता है। वो नटवरलाल पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बोला है ना कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, राइट। हमारी और आपकी जिंदगी ऐसी हो जाती है और मजे की बात है कि हमें इस बारे में कोई एहसास ही नहीं होता है। यू नो, सपने हमारी इस दुनिया को चलाते हैं। आज चाहे कुछ भी आप देख लीजिए, मैंने बताया ये हॉल है, ताजमहल है, आप फेसबुक को देख लीजिए, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया। लेकिन ये सारी चीजें दो बार बनी, एक बार किसी आदमी के माइंड में, मार्क जुकरबर्ग के माइंड में आया, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पूरी दुनिया में साम्राज्य स्थापित कर सकता हूं। बहुत बड़ा ड्रीमर है वो। यू नो, 22 साल 23 साल की उम्र में उसने फेसबुक को एस्टैब्लिश कर दिया, 24 साल की उम्र में खरबपति बन गया वो लड़का। यू नो, बिकॉज ही हैड ए बिग ड्रीम, यू नो, ऑफ कनेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को उसने कनेक्ट कर लिया, ही हैड ए ड्रीम। बिल गेट्स का अपना एक ड्रीम था, यू नो, थॉमस एडिसन का एक ड्रीम था, वो सपना देखते थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया में उजाला किया जा सकता है। लोग अंधेरों में रह रहा के थक चुके थे, लोगों ने बल्ब का आविष्कार किए थे लेकिन वो बल्ब काम नहीं कर रहा था। ही एक्सपेरिमेंटेड मोर देन 1000 टाइम्स एंड केम आउट विद दैट काइंड ऑफ बल्ब जो कि वो टिक सके, वो लोगों के काम आ सके, लोग अपने घर के अंधेरों को दूर कर सके, बिकॉज ही हैड ए ड्रीम। उसके पास अपने एक सपने थे। सपनों के बिना हमारा एग्जिस्टेंस नो एग्जिस्टेंस के बराबर हो जाता है। यू नो, हर एक आदमी के सपने होते हैं। यू नो, हर सपने हर एक आदमी के पास होते हैं, लेकिन अमीर आदमियों के पास प्लान होते हैं। एवरीबडी हैज गॉट ड्रीम्स बट रिच हैव प्लान्स। यू नो, अमीर लोगों को मालूम है कि सपनों को अचीव कैसे किया जाता है। एक गरीब आदमी से पूछिएगा उसका सपना क्या होता है कि कहीं 2 जून की रोटी हमको मिल जाए, कहीं खाना खा लेते हैं। वो खाना खाता है, उसका सपना खत्म हो जाता है कि चलो यार हो गया, अब दिन भर का फुर्सत, अब कल के बारे में कल सोचा जाएगा। यू नो, मिडिल क्लास, हम लोग सभी मिडिल क्लास की ही पौध है। यू नो, मिडिल क्लास के बारे में बहुत बढ़िया एक बात है कि मिडिल क्लास में ही पैदा होता है, मिडिल क्लास में ही जिंदगी गुजर बसर करता है और मिडिल क्लास में ही उसकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि वो मिडिल क्लास की सोच लेकर पैदा होता है। सपने होते हैं उसके पास भी, यू नो, लेकिन सपनों को पूरा करने का रास्ता उसको नहीं मिलता है। ही डजंट नो हाउ टू फुलफिल हिज ड्रीम्स बिकॉज ही लैक्स विजन। विजन किसको बोलते हैं? सीइंग थिंग्स व्हिच लार्जली रिमेन्स अनसीन टू अदर्स। जो चीजें आप देख पाते हैं बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड विजन। यू नो, मिडिल क्लास लैक्स विजन। सपने होते हैं, लेकिन सपने होने से ही कोई अमीर नहीं हो जाता है। सपनों के साथ साथ आपके पास विजन का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो थॉमस एडिसन हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, ये सारे ड्रीमर्स थे, बट ड्रीमर्स होने के साथ साथ ये विजनरी भी थे। जब सारी दुनिया, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब आविष्कार किया तो सारी दुनिया बल्ब को देख रही थी कि व्हाट एन अचीवमेंट, यू नो, कितना बड़ा इन्वेंशन है ये। सारी दुनिया बल्ब को देख रही थी और थॉमस एडिसन लोगों को देख रहे थे कि कितना बड़ा बिजनेस यहां से निकल सकता है हमारा, पूरी दुनिया में बल्ब यूज होगा, बिकॉज ही वॉज ए विजनरी। ही हैड ए विजन ऑफ, यू नो, ऑफ ब्रिंगिंग सो मेनी पीपल टू यूज दैट प्रोडक्ट। ही वॉज ए प्रैक्टिकल विजनरी, ही वॉज ए प्रैक्टिकल ड्रीमर। उन्होंने आविष्कार की वो हमारे और रोज आपके काम में आती है। यू नो, 1000 से ज्यादा उन्होंने इन्वेंशन किए,
and they were all used by the mankind. You know, हमने जब राज कपूर जिंदा थे तो मैं उनके बारे में पढ़ा करता था. He was a big dreamer. और उनसे जब बोला जाता था, वो जब भी कोई फिल्म बनाते थे, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया करते थे. You know, पूरी बॉबी फिल्म उन्होंने बनाई थी, पूरी अपनी प्रॉपर्टी को उन्होंने मॉर्गेज कर दिया था. You know, और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इतने पैसे अपने प्रोजेक्ट में क्यों लगाते हैं, तो राज कपूर ने जवाब दिया कि किसने कहा कि मैं प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूं, मैं तो यार अपने सपनों में पैसा लगाता हूं. यू नो, आई इन्वेस्ट इन माई ड्रीम्स. मैं तो सपनों में पैसा लगाता हूं. यह मेरा सपना है बॉबी पिक्चर. यू नो, यह सपना है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है. वैसे ही जब एक ड्रीमर इस बिजनेस में आता है, ही गिव्स हिज एंटायर थिंग्स, हर चीज इस बिजनेस को दे देता है, वो क्वेश्चन नहीं करता है. मैं आऊंगा उस पॉइंट पे. ही नेवर क्वेश्चंस कि प्रोडक्ट कहां खरीदना है, टूल्स कहां लेनी है, किस मीटिंग में जाना, किस सेमिनार में जाना है, बिकॉज ही हैज ए ड्रीम टू नर्स. उसके पास अपना एक सपना होता है जिसको पूरा करने के लिए वो एक मकसद के साथ इस बिजनेस में आता है. इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप प्लान दिखाते हैं, लेकिन आप बहुत सारा प्लान नॉन ड्रीमर्स को दिखाते हैं जिनके सपने मर चुके होते हैं. सपने थे लेकिन वो दब चुके. वो एक छोटी सी नौकरी, सुबह 10 बजे जाना, शाम में 6 बजे आना, दिन भर बॉस का डांट सुनना, घर में पत्नी फोन कर देती है या खबर सुबह सुबह में ही झोला पकड़ा देती है कि शाम में आना तो सब्जी लेकर आना. ये आलू प्याज में उसके सारे सपने धूमिल हो जाते हैं. घर में बेटी की शादी करनी होती है, पिताजी रिटायर करने वाले हैं, और ये सारे चीज के बीच में उसके सारे सपने धूमिल हो जाते हैं. वो भूल जाता है कि किन सपनों की वजह से वो उसने अपनी पढ़ाई की थी, उसने क्या सोचा था अपनी जिंदगी में. ही फॉरगेट्स एवरीथिंग. यू नो, ही हैड अ ड्रीम, बट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां एक मिडिल क्लास के आदमी को अपने सपनों से ऊपर जाने नहीं देती है. और जब उसको एमवे का प्लान दिखाया जाता है तो उसके सपने जागृत तो होते हैं, जागृत होते हैं उसके सपने, लेकिन फिर वो अपने सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देखता है और इतने उसके ऊपर धूल की परत पड़ चुकी होती है कि वो उस अपॉर्चुनिटी के अंदर छिपी हुई विजन को देख नहीं पाता है. बिकॉज ही लैक्स विजन, उसके पास विजन नहीं होता है. वो आगे क्या होने वाला है उन चीजों को देख नहीं पाता है. वो इमीडिएट देखता है पैसा कितना लगाना पड़ेगा. अच्छा, 100 पीएम में 10,000 रुपया लगेगा, आएगा कितना, तो 1200 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया, पता नहीं कितने रुपए आते हैं. हमने तो आज तक कैलकुलेट ही नहीं किया, लेकिन वो कैलकुलेट करता है. उसकी छोटी विजन उसको इस बिजनेस के बारे में डिसीजन लेने से रोकती है, वो बड़ा डिसीजन नहीं ले पाता है. ही कांट सी थिंग्स हैपनिंग 2 years or 3 years फ्रॉम दैट टाइम. वो देख ही नहीं सकता है कि 2 साल 3 साल 5 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या होने वाला है इस बिजनेस में. ही टेक्स एन इमीडिएट डिसीजन बिकॉज उसकी मेंटल कंडीशनिंग उसके अकॉर्डिंग हो चुकी होती है. राइट, उसकी मेंटल कंडीशनिंग उसको आगे बढ़ने से रोकती है. यू नो, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने पूछा, चांद से पूछा, और पूछा कि चांद जरा बताओ तो कि मेरा महबूब क्या कर रहा है. तो चांद ने जवाब दिया कि भाई देख, तुम एक तो हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है, यू नो, दूसरा इतना दूर से तो कुछ नजर भी नहीं आता है, तीसरा ये सब फालतू का काम तुम धरती वाले अपने ही पास रखो, हमारे पास ये सब काम के लिए फुर्सत नहीं है. यू नो, तो अभी हम आपके पास वापस आएंगे. आई विल कम बैक टू यू, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू गिव अ वार्म वेलकम टू माय ब्यूटीफुल वाइफ प्रतिमा पायल सिंह. गिव हर अ गुड क्लैप. हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग. सो गुड टू सी यू इन एसी. फर्स्ट सेशन वॉज वेरी कूल. बहुत ठंड थी फर्स्ट सेशन में. वी रियली एंजॉयड. सो ऑलवेज गिव लॉट्स ऑफ थैंक्स. बहुत सारा धन्यवाद दीजिए भगवान को अपने आज के लिए. वैल्यू योर बिजनेस, वैल्यू योर लाइफ. जो आपको मिला है, जो आपको मिला है वो फर्स्ट सेशन को नहीं मिला. राइट, चलिए, वेरी गुड. आज मैं जो आपको बताने वाली हूं वो बेस है एमवे बिजनेस का, ड्रीम्स एंड विजन. एमवे का ही नहीं, हम सब की जिंदगी का ये बेस है हमारे सपने और हमारे विजन, कि हम कितनी दूर तक सही तरीके से सोच सकते हैं और देख सकते हैं. और एमवे का ये सबसे पावरफुल थिंग है कि अगर हम ड्रीमर नहीं है, अगर हमारे सपने अपने नहीं है, हम अगर राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें और आपको दोनों को बिजनेस करने में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है. बिकॉज एमवे ड्रीमर्स का बिजनेस है. आपके सपने जितने बड़े होंगे,
आपका आपके कदम जितने सही डायरेक्शन में उठेंगे आपका बिजनेस उतना बड़ा होने वाला है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। काफी साल पहले एंशियंट ग्रीस में एक यात्री था जो माउंट ओलंपस घूमने जा रहा था और वो डायरेक्शन भूल गया था। तो रास्ते में उसको सॉक्रेट मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि आई रियली वॉन्ट टू गो टू माउंट ओलंपस और मैं रास्ता भूल गया हूं, प्लीज शो मी द डायरेक्शन। तो सॉक्रेट ने उनको कहा कि इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट टू माउंट ओलंपस जस्ट मेक श्योर दैट एवरी स्टेप यू टेक इज इन दैट डायरेक्शन। इस बिजनेस के लिए भी वो चीज है, आपके जो सपने हैं आप अगर उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके हर कदम अपने सपनों के डायरेक्शन में उठना चाहिए। इसाक न्यूटन सर, इसाक न्यूटन जो थे वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जन्मदाता उनको कहा जाता है, वो मॉडर्न एज के उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया था मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इसको डिस्कवर करने में कि किस तरीके से फिजिक्स और मैथ्स के ब्रेक थ्रू को बहुत इजीली बताया जा सकता है। जब उनसे ये पूछा गया कि ऐसा आप कैसे कर पाए तो उनका जवाब था बाय थिंकिंग ऑफ नथिंग एल्स। मैं पूरी जिंदगी कुछ और मैंने सोचा ही नहीं कि वेयर माई फैमिली इज गोइंग और मेरे टेस्ट क्या है, मेरी जिंदगी के नीड्स क्या है, तब जाकर के ये मिला था। सेम आपके साथ भी है, हम सपने तो देखते हैं बट टेल मी वन थिंग, क्या वो सपने हमारे होते हैं? नहीं। मैं जब बिजनेस करने फील्ड में जाती हूं तो जब लोगों की ड्रीम लिस्टिंग करती हूं उनसे पूछती हूं तो ज्यादातर आंसर्स आते हैं मैं ये बिजनेस अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, मैं ये बिजनेस अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रहा हूं। हस्बैंड बोलता है ये बिजनेस मैं अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूं। वाइफ बोलती है मुझे अपने मदर के लिए करना है। और पता नहीं लोग हमेशा दूसरों के लिए करते हैं, लोग शर्माते हैं अपने ड्रीम्स को बताने में, शायद आप भी ये एक्सपीरियंस करते होंगे। मैं आपको बताऊं कि सपने मरते नहीं है, हम उनको दबा देते हैं अपनी परिस्थितियों की वजह से, या हमारे सपने इतने छोटे होते हैं कि हम उनको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। मुझे दुख इस बात का नहीं होता है कि हम ज्यादा क्यों चाहते हैं जिंदगी से। होता है ना कई बार लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने बड़े बड़े ड्रीम्स बताते हैं तो हम उनके सामने उनको कुछ नहीं बोलते हैं, बट घर आकर के बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल रहे थे। हम वी कमेंट ऑन दोज ड्रीम्स, हम उनके ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पर हंसते हैं। दुख इस बात का होता है कि लोग इतना कम क्यों चाहते हैं जिंदगी से। एंड स्पेशली व्हेन यू आर बिल्डिंग एम्वे बिजनेस आपको हमेशा ज्यादा का सोचना चाहिए। हमारे ड्रीम्स हमारे नहीं होते, वो उधार के होते हैं। हमारे ड्रीम्स तो कई बार दब चुके होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे सपने क्या थे, किस लिए हमने एम्वे बिजनेस ज्वाइन किया था, व्हाट वाज द रीजन। हमारे ड्रीम्स इमोशनल नहीं होते हैं, उसमें इमोशंस होना चाहिए। आपके ड्रीम्स अगर आपके नहीं होंगे तो आप कभी भी दूसरों के ड्रीम्स के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है ड्रीम्स को बिल्ड करने में कि हम सेटलमेंट मेंटालिटी में चले जाते हैं। ड्रीम्स देखा था बड़े घर का और काम करते करते डायरेक्शन चेंज हो जाता है और हम 2 BHK में सेटल डाउन हो जाते हैं। अपने उसी 2 बेडरूम के घर को इतना सजा देते हैं, उसमें इतना कुछ डाल देते हैं कि वो हमारी दुनिया लगने लगती है। हम सपने देखते हैं बड़ी गाड़ियों की और जब छोटी गाड़ियों में ही हमारे फैमिली अट जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, तो हमको बड़ी गाड़ियों का ड्रीम्स खत्म हो जाता है। विदेश यात्रा इंडिया के ट्रिप से भी बगल के ट्रिप, मोहल्ला का ट्रिप ही हमारे घूमने के ट्रिप को खत्म कर देता है। बड़े होटल में खाने का शौक छोटे होटल में टेस्ट किल हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम लाइफस्टाइल क्या चाहते थे, क्या जिंदगी से हम चाहते थे। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया और कुछ लेवल के बाद मेरा पहला ड्रीम हो गया था डायमंड जाना, आपका भी होगा। बट मैं आपको बताऊं कि कई बार मैंने क्या कहा शुरू में, डायरेक्शन एक्शन, क्या हम उसी अपने रास्ते में उसी डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं या हम कुछ इधर उधर हो रहे हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि डायमंड और हम में क्या गैप है, क्या डिफरेंसेस है, कुछ पैसों का वो हम जॉब करके कुछ और करके भी अर्न कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं जब मैं डायमंड बनी और इतने साल से हम हैं इस क्लब में, डायमंड के लाइफस्टाइल को आप कहां से लाएंगे। डायमंड का पीस, द वे डायमंड स्पेंड देयर मनी,
and the place where they spend money. वो thought कहाँ से लाएंगे आप, वो mindset कहाँ से लाएंगे? You can't. हम बड़ी आसानी से अपने सपनों को छोड़ देते हैं. Keep hold on it. हम धीरे धीरे excuse बनाने लगते हैं इस business को करते करते और ब्लेम गेम में फंस जाते हैं. आदत हो जाती है हमारी ब्लेमिंग की. कभी हम अपने जॉब को, कभी सिचुएशंस को, कभी बच्चों को, कभी उनके खराब रिजल्ट को, कभी अपने रिलेटिव्स को हम ब्लेम करने लगते हैं. बट वी नेवर सी कि हम क्या कर रहे हैं. क्या हम अपने सपनों के लिए उसके रास्ते में आने वाले हर्डल्स के को किल करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना फोकस चेंज कर रहे हैं? हम ब्लेम गेम में, एक्सक्यूजेस में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं. मैं आपको बताऊं, सपने आपके तब नहीं टूटते हैं जब आप मार्केट में काम करने निकलते हैं और लोग आपको ना कहते हैं. आपके सपने आपकी वजह से टूटते हैं क्योंकि आप कोशिश करना छोड़ देते हैं. आपके सपनों में विजन की कमी होती है. आप अपने सपनों को विजन नहीं दे पाते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, उसको एक खांचा नहीं दे पाते हैं. एंड यू डोंट स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स. आपको अपने सपनों के और अपने फैमिली के सपनों को टूटने का दर्द का एहसास नहीं होता है और आप बड़ी इजिली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. आइडियली मैं आपको बताऊं, फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स वी आर वॉकिंग एमवे, वी आर स्लीपिंग विद एमवे, वी आर बिहेविंग विद जो एमवे को जरूरत होती है उसके हिसाब से वी आर बिहेव करते हैं जस्ट टू अचीव आवर गोल. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग कम होते हैं? जो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनके नजदीक जाके देखिए, दे आर ड्रीमर्स, दे आर पैशनेट पीपल, दे फिक्स टारगेट, दे ड्रीम एंड देन सेट अ गोल, दे प्लान फॉर देयर गोल. वो अपने आप को बदलते हैं अपने सपनों के लिए, कष्ट करते हैं, दे बिकम हम्बल, उनका ईगो खत्म हो जाता है, उनका क्रोध खत्म हो जाता है. क्योंकि ये छोटे छोटे हर्डल्स आपके सपनों के बीच में आने वाले हैं. वो हम्बल हो जाते हैं अपने सपनों के प्रति, वो फर्म हो जाते हैं और वो तैयार रहते हैं अपने सपनों के लिए कुछ भी करने के लिए. दे टेक द चार्ज एंड द ओनरशिप ऑफ देयर ड्रीम्स. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ड्रीम्स के लिए. मैंने विजन किया था अपने लिए ये लाइफस्टाइल, और जैसी जिंदगी में मैंने विजन किया था, जैसा सोचा था, मैं उससे बेहतर जिंदगी जी रही हूं. आई एम ट्रू सेइंग यू. घूमने का शौक था, इंडिया में नहीं बाहर. और अब कष्ट यह है कि जून में अलास्कन क्रूज जा रहे हैं 15 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, और जुलाई में हम लोग जा रहे हैं कनाडा, यूएसए, मिशिगन, आडा. फिर हमारा दिसंबर में ट्रिप है. मैं थक जाती हूं घूमते घूमते. मैं सोते सोते घर में थक जाती हूं क्योंकि ऑफिस जाने की आदत थी. अपनी दिन को, अपनी रात को मैं अपने हिसाब से चलाती हूं क्योंकि ऐसा ही मैंने सोचा था. एंड आई रियली वर्कड हार्ड फॉर माई ड्रीम्स. लास्ट आई विल जस्ट से, अपने आप को एक्सपोज कीजिए. किसके साथ? ड्रीमर्स के साथ. जो ड्रीमर्स हैं उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताइए. विजनरी पीपल के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनका सुनिए. हाउ दे टॉक, व्हाट दे टॉक, उनकी सोच कैसी है, किस तरीके से वो काम करते हैं. ड्रीम वीवर्स के साथ बैठिए. डिस्कनेक्ट योर सेल्फ जो दुनिया के बाहरी दुनिया, कुछ सालों के लिए बाहर की उस दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लीजिए. जो ड्रीम स्टीलर्स हैं, जो आपके हिम्मत को तोड़ते हैं, अगर आप अपना समय ज्यादातर उनके साथ बिताएंगे जो ड्रीम स्टीलर्स हैं, आपको हिम्मत नहीं मिलेगी. आप ड्रीम वीवर्स के साथ समय अपना बिताइए. जो लोग सपने बुनते हैं, जो आपको सपनों में हिम्मत देते हैं, उनके साथ समय बिताइए. अगर आप अपने ड्रीम के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई और अपने ड्रीम के लिए आपको यूज करेगा. सो स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ओन ड्रीम. डोंट ड्रीम फॉर योर चाइल्ड, डोंट ड्रीम फॉर योर पार्टनर. अपने सपनों के लिए जिस दिन आप काम करना शुरू कर देंगे, आपके भी सपने पूरे हो जाएंगे और आपके फैमिली के भी. बट आपको सही डायरेक्शन में काम करना होगा. थैंक यू सो मच. ये ड्रीमर का क्लैपिंग नहीं था भाई, डायमंड जाने वाले की क्लैपिंग अलग होनी चाहिए. वाह, किसी आदमी का ड्रीम था ये छत बनाया, और हमारा ड्रीम होना चाहिए कि छत फट जानी चाहिए. राइट. एक बार एक आदमी जन्नत में गया, स्वर्ग में, और जाके उसने खड़खड़ाया दरवाजा, अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो बोला कि जी मैं शादीशुदा आदमी हूं.
बोला कि अंदर आ जाओ, बहुत तुमने कष्ट पाया है लाइफ में। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया गया, बोला अब की बार कौन है? बोला कि सर मैं 2 बार शादी किया हूं। बोला कि भाग जाओ, बेवकूफों के लिए जगह नहीं है। देखिए विजनरी के बारे में एक बात कही जाती है कि विजनरी जो होते हैं वो दे नो हाउ टू मेक एडजस्टमेंट्स टू अचीव देयर ड्रीम्स। यू नो धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े विजनरी थे, ही वॉज नॉट ओनली अ बिग ड्रीमर, ही वॉज अ विजनरी ऑल्सो। और बहुत सारे लोगों ने उनके ड्रीम्स में रोड़े अटकाने का प्रयास किया, बट ही डिड नॉट फाइट विथ एनीवन। जब आपके ड्रीम्स और रीजंस क्लियर होते हैं ना, यू डोंट फाइट, आप यू टेक, आप एक डिटोर ले लेते हैं, आप एक दूसरा रास्ता ले लेते हैं, यू नो, टू रीच योर डेस्टिनेशन। ऐसे विजनरी होते हैं, दे प्लान, दे पोस्टपोन, दे प्रायोरिटाइज, यू नो, वो सारी चीजें करते हैं, वो कुछ चीजों को पोस्टपोन करते हैं, बहुत सारे अपने इंटरेस्ट को, बहुत सारे अपने हॉबीज को, एंड दिस ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन आवर एमवे बिजनेस, राइट? एमवे बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, आप देखते होंगे, यू टू मस्ट बी वंडरिंग कि आदमी बहुत हैंडसम है, बड़ा स्मार्ट है, अच्छा बात करता है, ये आदमी सफल क्यों नहीं है? सपने नहीं है उसके पास, ही इज नॉट विजनरी। अगर सपने हैं भी, ही डजंट हैव ए प्लान। एमवे एक प्लान, हम सारे मिडिल क्लास के लोगों को एक प्लान प्रोड्यूस करती है हमारे और आपके लिए। अगर आज एमवे बिजनेस नहीं रहता तो हमारे सपने धरे के धरे रह जाते और उन पे धूल की परत चढ़ती चली जाती। एंड आई वुड हैव वंडर्ड, अपने बुढ़ापे के दिनों में वंडर करता कि भाई हम तो चाहते थे बहुत सारी चीजों को अचीव करना, लेकिन शायद गॉड ने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, लेकिन गॉड ने अपॉर्चुनिटी दे दिया। लोगों के सामने एमवे बिजनेस प्रेजेंट किए जाते हैं, बट दे डोंट हैव द विजन। जैसा कि मैंने बताया कि वो इस बिजनेस के छिपे हुए सारे गुणों को देख सके, सारी क्वालिटीज को देख सकते हैं, यू नो। और ड्रीम को सेट और रिसेट भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार सपना देखा और उसके बाद उसी के सहारे पूरी जिंदगी को काट लेते हैं। हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमारे सपने छोटे होते हैं, और उन सपनों की बदौलत एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर एक लेवल तक भी पहुंच जाता है, लेकिन उस लेवल से वो ऊपर जा नहीं पाता है क्योंकि उसको अपने सपनों को फिर से रिसेट करने की जरूरत पड़ती है। मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ा बढ़िया बात उसमें लिखी हुई थी कि मैरिड कपल जो है जब शादी करते हैं तो दे बोथ टुगेदर नर्स अ ड्रीम। उन्होंने एक सपना बुना, एक छोटे से बच्चे का उन्होंने सपना बुना, और जब बच्चा हो जाता है दे स्टॉप ड्रीमिंग अगेन। उन्होंने फिर दूसरा ड्रीम पाला नहीं, इसलिए उनके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती है। ऐसा कई बार एमवे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी होता है, वो चाहते हैं, वो बोलते हैं प्लैटिनम जाना है, प्लैटिनम चले जाते हैं, एक लेवल पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर के पिन को जाने के लिए आपको फिर से एक ड्रीम और एक गोल को आपको सेट करनी पड़ती है, एंड दैट दे आर नॉट एबल टू डू। सेवरल रीजंस उसके हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन रीजंस उसके यही होते हैं कि दे डोंट सी, यू नो, अनदर ड्रीम, दे डोंट सेट अनदर गोल। यू नो, आप जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, यू हैव टू नो कि आपकी एजेंडा क्या है, व्हाई यू आर बिल्डिंग दिस बिजनेस, क्या आपके सपने हैं, क्या आपके रीजंस इस बिजनेस को बिल्ड करने के, व्हाट इज योर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। कोई भी बड़ी कंपनी होती है, हर कंपनी के मिशन और विजन स्टेटमेंट होते हैं। कोई भी व्यक्ति, आप अपने बच्चों को किसी अच्छी जगह में नौकरी देना चाहते हैं बिकॉज यू सी द कंपनी ग्रोइंग। आप इंफोसिस में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, आप टीसीएस में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में चाहते हैं बच्चे जॉब करें, आप टाटा के कंपनी में जॉब करना चाहते हैं बिकॉज यू नो द मिशन एंड विजन स्टेटमेंट ऑफ दोज कंपनीज। इन कंपनी के मिशन और विजन स्टेटमेंट बड़े स्ट्रांग होते हैं, तभी क्वालिटी के लोग इन कंपनियों में जाके जुड़ते हैं। आपके साथ अच्छे लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? बिकॉज शायद आपकी अपनी ही मिशन और विजन स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। क्यों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं? चले गए प्लैटिनम, अब आगे क्या करना चाहते हैं? क्या कोई रीजन है आपके पास? क्या आपने अपना कोई गोल सेट किया? क्या जब आप प्लान दिखाते हैं तो क्या आपने मिशन और विजन स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं कि वेयर यू आर गोइंग इन लाइफ? क्या आप वॉक करते हैं, टॉक करते हैं, जब आप बात करते हैं लोगों के साथ, जब आप सोते हैं तो क्या आपकी माइंड में रहती है कि मैं कहां जाना चाहता हूं? वेयर आई वॉन्ट टू गो थ्रू एमवे बिजनेस। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, और हमारे एक बड़े लीडर ने बताया ना कि इस बिजनेस को करते करते कुछ लोग म्यूचुअल फंड में घुस जाते हैं, यू नो। तो आपको इन सारी चीजों से बचना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस। आपके बड़ी पिन हो जाने से कोई जरूरी नहीं कि आपको बिजनेस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ही हो जाती है, यू नो। कुछ लोग जितना पैसा कमाना चाहते हैं, जब वो इमीडिएट अगर इस बिजनेस से नहीं कमा पाते हैं, दे लुक फॉर सम अदर प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स दे अगेन वॉन्ट टू कम बैक टू दिस बिजनेस, एंड दैट्स देयर बिग प्रॉब्लम।
यू नो, और आपके सपने बड़े होने चाहिए। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी की मैं किताब कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनका कोई एक दोस्त था, ही वॉन्टेड टू ओपन ए स्मॉल होटल। तो उन्होंने उससे क्वेश्चन किया, व्हाई यू वॉन्ट टू ओपन ए स्मॉल होटल? बोला कि व्हाई यू डोंट वॉन्ट टू एक्सपैंड? तो बोला कि नहीं, मैं एक्सपैंड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं एक छोटा सा सुंदर होटल होना चाहिए मेरा। लेकिन सर आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माई मनी इन हिज प्रोजेक्ट व्हेन ही हिमसेल्फ इज सेइंग दैट हिज प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। उसका प्रोजेक्ट जो छोटा रहने वाला है, उस छोटे से प्रोजेक्ट में मैं पैसा क्यों लगाऊं? जब वो खुद ही पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच रहा है तो मैं कहां से कमा सकता हूं? यही काम आपके साथ भी होता है। आप किसी आदमी को प्लान दिखाते हैं, आप खुद ही जब 10,000 रुपया कमाने वाले हैं इस बिजनेस से, एमवे बिजनेस से, तो सामने वाला आदमी यह देखता है कि यह खुद ही 10,000 रुपया कमा रहा है तो हमको क्या कमाएगा भाई। दूसरी चीज है कि इसके हिडन पोटेंशियल को देखने के लिए आपको इस बिजनेस के जितने भी जो सक्सेसफुल ड्रीमर्स हैं, सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनके एसोसिएशन में भी आपको जाना होगा, तभी आप उन सारी चीजों को देख सकते हैं। ड्रीम देखिए, जब आज मैनकाइंड क्या है, जब हम लोग शुरू में ट्रेन पे चलते थे, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने फ्लाइट ली, फिर सुपरसोनिक जेट आई, मतलब क्या हुआ, लोगों की हिम्मत बढ़ते जाती है बड़े बड़े सपनों को देखने की। वैसे ही इस बिजनेस में जैसे जैसे आप, आज आपको क्यों यहां बुलाया गया है, so that you could get the association of all these dreamers, you could listen to all these big dreamers who are sitting outside behind this curtain, unki baaton ko aapko sunne ke liye aapne 900 rupees pay kiya hai. What is the basic purpose kya hai, taki aap inke mindset mein enter kar sake, and you could also nurse those dreams. Aapke bhi waise sapne ho sakte the, aur yahi cheez ke liye aapko yahan pe prerit kiya jata hai, right? Goal ki characteristic kya kya hone chahiye, you know. पहला तो यह होना चाहिए कि देखिए, आपको कुछ कुछ चीजें जो कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड से हम लोगों ने सीखी, यू नो, पहले हम लोग नहीं जानते थे, सपने थे, और सपनों को पूरा कैसे किया जाता है यह कहीं कोडिफाइड नहीं था। इसकी कोडिफिकेशन हम लोगों को मिली जब हम लोगों ने ब्रिट वर्ल्ड वाइड में इस बिजनेस को बिल्ड करना हम लोगों ने शुरू किया, राइट? ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बताया कि आपको ड्रीम को अकॉम्प्लिश करने के लिए यू हैव टू सेट गोल्स, आपको गोल सेट करनी पड़ेगी, एंड देयर हैज टू बी कोरिलेशन बिटवीन योर ड्रीम एंड योर गोल। ड्रीम और गोल के बीच में कोरिलेशन होनी बहुत जरूरी है, यू नो। ड्रीम शुड बी बिग एंड इट शुड बी लॉन्ग टर्म, बड़ा ड्रीम होना चाहिए, और बड़े ड्रीम को और बड़े गोल को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है ये हमको और आपको सीखनी है। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड इट शुड बी क्लियरली विजिबल टू यू, आपकी ड्रीम आपके सामने वो क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज जिन चीजों को आप देख नहीं सकते हैं, यू कांट हिट दोज थिंग्स। पहले आपको देखनी होगी उन चीजों को। अर्जुन मछली की आंख को देख रहा था तभी उसने मछली की आंख को भेदा था, बाकी लोग तो देख भी नहीं पाए थे, यू नो। तो आपको अपने गोल को पहले देखना होगा, वो आपके सामने विजिबली क्लियर होनी चाहिए, यू नो। हर मोमेंट आपको अपने ड्रीम के साथ जीना होगा, यू नो, और उस ड्रीम और गोल में इट मस्ट हैव ए टाइम लाइन एंड डेडलाइन टू इट। अगर वो एक विश और इच्छा मात्र होकर रह जाती है, बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कभी उसको फिक्स नहीं करते हैं, कभी वो कोई टाइमलाइन नहीं देते हैं, कोई डेडलाइन उसके अगेंस्ट में नहीं देते हैं। अभी टाटा कंपनी कलिंगा नगर में एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है, उन्होंने उसके लिए एक टाइमलाइन और डेडलाइन दिया है कि इतने तारीख तक हमको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेना है। ये बिल्डिंग भी बनी थी तो इसका एक डेडलाइन डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी प्रोजेक्ट बनती है, कोई भी पुल बनती है, उसकी एक डेडलाइन दी जाती है, इतने तारीख तक इसकी कमीशनिंग हो जाएगी। आपके प्रोजेक्ट की कब कमीशनिंग होगी, यू नो, यू हैव टू सेट अ डेडलाइन फॉर इट। आपने डिसाइड किया कि हमको जॉब छोड़नी है, यू हैव टू पुट अ डेट ऑन इट। आपने सोची कि एक बड़ी गाड़ी लेनी है, क्या आपने डेडलाइन दिया, इतना तारीख तक ही हमको चाहिए, यू नो। ये ह्यूमन ब्रेन कंपार्टमेंट में सोचता है, उसको एक कंपार्टमेंट देनी होगी कि हाँ, इतना तारीख के अंदर में आपको मिल जाएगी। अगर आपने बड़े सपने नहीं किए, यू नो, और उसमें डेट नहीं दिए तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, नेवर एंडिंग जर्नी में आप निकल जाएंगे, राइट? गोल ऐसा होना चाहिए जो कि आपको एक्साइट कर सके, आपको आपके अंदर में वो उत्तेजना की लहर दौड़ जानी चाहिए उस चीज के बारे में सोच के। जैसे बड़ी गाड़ी मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा सपना है फ्रीडम। हमको अच्छा नहीं लगता था जब हमको कोई डिक्टेट करता है, यू नो। मैं ऑफिस में जाता था और बॉस का जब फोन, मैंने ब्रांच मैनेजर के रूप में बहुत बढ़िया काम किया हर एक जगह, बिकॉज आई हैड नो बॉस। बॉस दूर बैठता था और जब भी बॉस सामने हुआ, मेरा उसके साथ पंगा हुआ, यू नो,
क्योंकि हमको एक्साइट करती थी हमारी फ्रीडम. मुझे सुबह उठ के ऑफिस भागना हमको अच्छा नहीं लगता था. मैं काम करना चाहता था, काम करने से भागता नहीं था, लेकिन काम अपनी मर्जी से करना चाहता था. इसीलिए एमवे बिजनेस हमको सूट किया, इसीलिए हमने अपने इस ड्रीम को नर्स किया. राइट ये हीरा और ये पन्ना हमारे ड्रीम्स नहीं है, ये हमारी पत्नी का, हमको मालूम ही नहीं है कौन सा ये स्टोन है. ये तो पत्नी के प्यार में हमने पहन लिया है इसको. हमारा ये ड्रीम नहीं है. आपको अपने ड्रीम को निकालनी होगी. राइट एंड इट शुड हैव द पोटेंशियल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू. आपके ड्रीम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आपका बेस्ट परफॉर्मेंस उसके लिए निकल जाए. जिन चीजों के लिए आप स्ट्रेच नहीं करते उन चीजों का आप अचीव भी नहीं करते. आपको यू विल हैव टू स्ट्रेच योर लिमिट्स. आपको अपने लिमिट को स्ट्रेच करनी होगी. आप यू विल हैव टू इंक्रीज योर कैपेसिटी. आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ानी होगी. एंड योर गोल शुड हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज योर कैपेसिटी. इट शुड बी बैक्ड बाय अ बर्निंग डिजायर. उसके प्रति अगर बर्निंग डिजायर नहीं है, अगर आप स्लीप ड्रिंक एम्वे बिजनेस जब आप बिल्ड करते हैं तो एम्वे बिजनेस में आप सफल और फेल नहीं होते हैं, आप अपने सपनों में फेल और सफल होते हैं. और वो तब होती है जब एवरी मोमेंट ऑफ योर डे ऑफ योर नाइट यू आर लिविंग विथ योर ड्रीम. आपके सपने क्या है और इसीलिए हम लोग बताते हैं कि आपको अपने सपनों को छोटे छोटे गोल में बदलिए और उसको लिखिए. दुनिया में जितने सफल लोगों को देखा गया है उन सारे सफल लोगों में एक हैबिट थी कि दे यूज टू राइट डाउन देयर गोल्स देयर ड्रीम्स. उनको जिंदगी में क्या चाहिए. और 97% जो असफल लोग हैं या तो उनको लिखने की आदत नहीं थी या कभी लिखते थे कभी नहीं लिखते थे. तो आपको ग्रोथ गोल्स को लिखनी होगी, उसको विजुअलाइज करनी होगी, उसके बारे में सोचनी होगी. आप ये सारी प्रोसेस ब्रिट वर्ल्ड वाइड के द्वारा बनाई गई है सो दैट कि आपके अंदर में वो बर्निंग डिजायर क्रिएट हो सके उस गोल के प्रति, उस ड्रीम के प्रति. बर्निंग डिजायर क्या होती है, देखिए 211 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर पे आप अगर पानी को गर्म करेंगे तो खूब बढ़िया एक सुंदर सा कॉफी आप बना सकते हैं. लेकिन 1 डिग्री फारेनहाइट अगर पानी और गर्म हो जाता है 212 डिग्री पे वो पानी स्टीम बन जाता है और उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी शक्ति होती है कि दुनिया से बड़े जहाज को एक महादेश से लेकर दूसरे महादेश तक भी वो कैरी कर जाता है. और ये पॉसिबल होती है आपकी बर्निंग डिजायर से. आपकी बर्निंग डिजायर इतनी स्ट्रांग, एक और प्लान, वन मोर स्टेप, वन मोर नाइट, वन मोर प्लान. जब सब कुछ सब कोई थक जाता है, जब रात में 3-4 प्लान दिखाने के बाद भी आप थक जाते हैं और उसके बाद भी एक आदमी एक डाउनलाइन आपको फोन करता है और बोलता है कि सर मालूम नहीं है कि पता नहीं वो प्लान देखेगा कि नहीं, लेकिन सर ट्राई करने में क्या हर्ज है. और आप बैग लेकर निकल जाते हैं उस आदमी को प्लान दिखाने के लिए जिसके बारे में आपको मालूम भी नहीं है. थके हुए हैं, पांव में दर्द हो रहा है, पसीना से पूरा शरीर लथपथ है, लेकिन आपके सपने जिंदा हैं. आप जाकर उस आदमी को प्लान दिखाते हैं, आपकी ड्रीम अचीव होती है. राइट और आपकी आपकी जो प्लान है उसमें कंटिन्यूअस एक्शन का भी प्लान होना चाहिए. हर दिन आप छोटा छोटा काम करते हैं. आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वो ओवरनाइट सक्सेस हो गया. इट टेक्स इयर्स टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस. रातों रात अमीर बनने के लिए वर्षों की मेहनत उसके पीछे होती है. सचिन तेंदुलकर कोई रातों रात क्रिकेटर नहीं बना था, वर्षों की मेहनत प्रैक्टिस ने उसको सफल बनाया था. तो रोज की आपकी प्लान आपको सफल बनाती है. अ माइंड क्लोज्ड अगेंस्ट क्रिटिसिज्म एंड डिस्करेजमेंट. जब आप काम करने निकलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपको सिंगल माइंडेडनेस ऑफ पर्पस आपके अंदर में होनी चाहिए. डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस. Your definiteness of purpose will ward off all kinds of negativities that may have fallen you in the pursuit of your dream. आपको गिरा सकती थी, लेकिन आपने definiteness of purpose रखा, right? और मैं last में यही कहूंगा कि रोज आप plan करते हैं कि ठीक है कल से plan करेंगे इस business को बढ़िया करने का. मैं आपसे यही कहूंगा कि do it today. आज कर लीजिए. आज कर लीजिए. आज का दिन दोबारा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आए या ना आए. कल अगर फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे. इतनी अगर मुहलत ना मिली तो क्या करोगे. रोज कहते हो कल से भजन सिमरन करेंगे, कल अगर आंख ही ना खुली तो क्या करोगे. थैंक यू वेरी मच. आई लव यू पटना.